नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की। जालौन में दबंगों को पुलिस का जरा भी खौफ नहीं है। दबंगों ने बुधवार की शाम एक युवक को गांव के अंदर घेर कर बेरहमी से पीटा और मारपीट का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। वहीं पीड़ित ने थाने में मारपीट करने वालों के खिलाफ शिकायती पत्र दिया है, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। रामपुर में समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान के नाम से किसी ने फेसबुक पर फैन क्लब के नाम से बिना परमिशन आईडी बनाकर चला रहे हैं, जिस पर आजम खान के मीडिया प्रभारी फसाहत अली खान उर्फ शानू ने आपत्ति जताते हुए नाराजगी जताई है और कार्रवाई करने की बात कही है और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल भी किया है। अब खबर चंदौली जिले से है, जहां के बबूरी थाना क्षेत्र में बीती रात हौसला बुलंद चोरों ने एक कपड़े की दुकान की शटर का ताला तोड़कर लाखों रुपए पर हाथ साफ कर दिया। सुबह जब दुकान मालिक ने शटर का ताला टूटा पाया तो उसके होश उड़ गए। दुकान मालिक ने तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। हरदोई के तेजतर्रार एसपी अनुराग वत्स का तबादला हुआ है। हरदोई में अपनी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा को लेकर पूरे जिले के चहेते बने एसपी अनुराग वत्स का हरदोई से तबादला कर दिया गया। सफेदपोश नेताओं, सत्ताधारी नेताओं का वो किसी प्रकार का अनर्गल दबाव नहीं मानते थे। हरदोई की जनता के दिल के हीरो बने हुए थे एसपी अनुराग वत्स। कुशाम्बी में महिला का शव मिलने से हड़कंप मच गया। महिला के दोनों पैर बंधे हुए थे और फिलहाल महिला का शव शक विशक्त हालत में था। पुलिस पूरे शव को अभी ढूंढ रही है। सड़क किनारे सूखी नहर में उसका शव मिलने से सनसनी हो गई है। मौके पर एसपी, एएसपी और सीओ भी पहुंचे। फिर यूनिट और एसओजी टीम भी लगातार छानबीन कर रही है। क्षेत्र के भैला मकूदपुर का ये पूरा मामला। प्रतापगढ़ जिले के अंतु थाना क्षेत्र अंतर्गत बेखौफ दबंगों ने महिला को गोली मार दी, जिसके बाद उसकी हालत गंभीर हो गई। पुरानी रंजिश में देर शाम महिला को गोली मारकर दबंग फरार हो गया। आनंद फानन में अस्पताल में महिला को भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान महिला की मौत हुई है। वहीं एडिशनल एसपी और सीओ सिटी के हाथ बदमाश द्वारा महिला को गोली मारकर हत्या करने के मामले में बड़े सुराग लगे हैं। मृतक महिला के पति को पुलिस ने हिरासत में लिया है। जांच के दौरान घर की छत से गोली के अवशेष, खून के निशान और मोबाइल भी पुलिस ने बरामद किया। सहारनपुर में छेड़छाड़ का विरोध करने को लेकर दो पक्षों में संघर्ष हो गया। पुलिस की मौजूदगी में दोनों ओर से जमकर लाठी डंडे चले, धारदार हथियार और ईंट पत्थर भी चले हैं। घायलों को सीएससी बेहट में भर्ती कराया गया है। घायलों की हालत को गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल रेफर किया गया। रामपुर में एक पति ने अपनी पत्नी और उसके परिवार वालों के जुल्म से परेशान होकर मौत को गले लगा लिया और उससे पहले एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो में पत्नी और ससुराल से तंग होकर खुदकुशी करने का आरोप लगाकर बाद में घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक की शादी को 10 साल बीत जाने के बाद पति पत्नी के विवाद में ये दर्दनाक घटना हुई है। घटना थाना सिविल लाइन क्षेत्र के अलीनगर गाँव की बताई जा रही है। बरेली में खड़ी डीसीएम में कार ने जोरदार टक्कर मार दी। डीसीएम और कार में भीषण आग लग गई। कार सवार ने कार से कूदकर किसी तरह से अपनी जान बचाई। टक्कर के बाद आग का गोला बन गई कार। कार सवार चार घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। किराने का सामान भरा हुआ था डीसीएम में। देर रात यह हादसा हुआ। थाना सीबीजगंज के परथौली ग्राम के ढाबा के पास बरेली दिल्ली हाईवे पर यह हादसा हुआ है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में जहरीली शराब पीने से हुई मौतों के बाद बरेली में भी प्रशासन चौकन्ना हो गया है। अवैध रूप से शराब तैयार करने वालों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस ने 100 से अधिक लोगों के खिलाफ इस मामले में मुकदमा दर्ज किया। करीब 118 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। मेरठ के केएमसी अस्पताल के खिलाफ आजाद समाज पार्टी ने भी मोर्चा खोल दिया है। आजाद समाज पार्टी ने उस कर्मचारी से मुलाकात की, जिस कर्मचारी ने केएमसी अस्पताल की इस करतूत का खुलासा किया। आपको बता दें कि मेरठ के ट्रांसपोर्ट नगर थाना क्षेत्र के बागपत रोड स्थित केएमसी अस्पताल के वीडियो वायरल हुए, जिसमें आरोप लगाया गया कि केएमसी अस्पताल में मरीजों की हत्या की जा रही है। दरअसल बकायदा अस्पताल के ऑक्सीजन प्लांट के इंचार्ज ने वीडियो बनाते हुए आरोप लगाए। उसने बताया कि उसके साथ मारपीट भी की गई है और जाति सूचक शब्दों का भी इस्तेमाल किया गया। श्रावस्ती जिले के थाना मलहीपुर क्षेत्र के बेगमपुर की एक घटना है, जहां पर पुराने रंजिश के चलते खेत की मेड़ काटने के दौरान हुए विवाद में जमकर लाठी डंडे चलाए गए, जिसमें एक महिला समेत दो लोग बेहद जख्मी हो गए हैं, जिन्हें आनंद फानन में सीएससी मलहीपुर लाया गया है। समल के थाना रजपुरा इलाके से दिल दरा देने वाली घटना सामने आई। यहाँ बुधवार को 40 साल के किसान नेकपाल की चाकू से गूंथकर हत्या कर दी गई। ये घटना बुधवार रात उस समय हुई जब किसान अपने खेत की रखवाली कर रहा था। किसान का शव खून से लथपथ अवस्था में चारपाई पर पड़ा मिला।
मथुरा में संचालन में चार पर मुकदमा दर्ज हुआ है। अवैध तरीके से पेट्रोल पंप संचालन किया जा रहा था। नंगला गढ़थौली में बिना डीलरशिप के पेट्रोल पंप संचालन में आखिरकार पूर्ति विभाग ने इसे जागा है। पंप संचालन करने वाले चार लोगों के खिलाफ थाना गोवर्धन में मुकदमा दर्ज कराया गया। कानपुर के बीटीसी प्रशिक्षण प्राप्त प्रशिक्षुओं ने आज काला दिवस मनाया। अब जिलाधिकारी के हाथों में एक ज्ञापन भी सौंपा है मुख्यमंत्री के नाम और करीब 9,07,000 नई शिक्षक भर्ती लाने की मांग उठाई है। प्रशिक्षुओं ने हाथ और सर में काली पट्टी बांधकर विरोध जताया है। नोएडा थाना फेज 2 पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दिल्ली NCR क्षेत्र में अवैध गांजे की तस्करी करने वाले 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। कब्जे से 100 किलोग्राम अवैध गांजा जिसकी कीमत लगभग 10 लाख रुपए बताई जा रही है बरामद किया है। वहीं इस गैंग के तस्करों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम लगातार काम कर रही है। उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ ऑल इंडिया।